केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने संसदीय क्षेत्र बिदसा के भैरुदा पहुंचे। यहां पर उन्होंने विकास कार्यों की सौगात दी और लोकार्पण भूमि पूजन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। तिरंगा यात्रा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सम्मिलित हुए। आगे आगे बाइक रैली चल रही थी तो वहीं पीछे खुली जीप में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान सवार थे। उनके स्वागत के लिए जगह जगह मंच बनाए गए थे। इस दौरान मंचों में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर फूलों की बारिश की गई। मुख्य कार्यक्रम सीएम राइज स्कूल में आयोजित किया गया, जहां स्कूल बसों का लोकार्पण केंद्रीय मंत्री द्वारा समारोह पूर्वक किया गया। यहां पर बड़ी संख्या में लाडली बहनों ने अपने मामा को राखियां बांधी। केंद्रीय मंत्री ने उपस्थित जनों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लाडली बहनों की अगली मंजिल जब उन्हें लखपति दीदी बनाया है। देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। मसलन उनकी आमदनी साल में 1 लाख रुपए से अधिक हो, इसके लिए यह सब सुनिश्चित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत संकल्प के तहत आगामी 25 तारीख को महाराष्ट्र के जलगांव में 11 लाख बेटियों को लखपति प्रधानमंत्री द्वारा लखपति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए शहरों की तर्ज पर गांवों में भी स्ट्रीट वेल्डर योजना शुरू की जाएगी। मोदी सरकार का संकल्प गांवों को गरीबी से मुक्त कराया जाना है एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास है। इसके लिए मोदी जी पहले से 3 गुना अधिक कार्य कर रहे हैं। जो गांव नर्मदा लिंक सिंचाई परियोजना छोड़ गए थे, उन्हें भी योजना में शामिल कर वहां के किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाएगा। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। अद्भुत है आप और आपका प्यार। भाई आपके सामने शीश झुकाता हूं। मेरे भाइयों बहनों, करण सिंह जी, आदरपुर सांसद जी, आदरणीय मंच जिलाध्यक्ष जी, मैं लंबा संबोधन नहीं करूंगा क्योंकि बहनों को जाना है। कल भाइयों को राखी बांधना है, लेकिन मैं भी तो तुम्हारा भाई हूं, इसलिए कल के पहले आज ही आ गया। आज भोपाल से मैं चला गांव गांव में, भाइयों का और मेरी बहनों का जैसा सैलाब उमड़ा, चला सवेरे था, आते आते शाम हो गई, मुझे माफ कर, क्योंकि मैं धक्का देके निकल नहीं सकता। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आज आप सबको एक वचन देता हूं। आज ये मेरे कर्मचारियों में किसी बस लेने जाए तो छोड़ने जाए, आज आपकी बसें आपको मैं समर्पित कर रहा हूं, ताकि बाहर से आने वाले बच्चों में बैठ जाए। पढ़ाई कैसी हो रही है? ईमानदारी से कह रहे हो अच्छी हो रही है, और बेहतर कैसे हो सकती है उसका सोचना है। और याद रखना, तुम्हारा मामा कह रहा है जो तुमसे दिलो जान से प्यार करता है, याद रखना तुम कौन हो। तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम अमृत के पुत्र हो, पुत्री हो। मेरे शब्द दिमाग में बैठा रहना, तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो। कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। निधन के बाद भी मामा जी का कहना है, बच्चों ने तैयारी की है तो जरूर प्रस्तुत करवाओ। आ जाओ बच्चे, सरस्वती बनने वाले दिल्ली से। Thank you.
टैलेंट सब में है, बुद्धि सब में है, बराबर बराबर बांटिए। अब कोई उसका उपयोग करता है और कोई उतना उपयोग नहीं करता, तो जो उपयोग करता है ये जो अपना ब्रेन है ना, ब्रेन टैलेंट स्कोप हमें आवश्यकता है। टेलीकॉलिंग और रिक्रूटमेंट कार्य के लिए शिक्षित लड़कियों की आपके शहर रीवा में वेतन 7,000 से 12,000 दिया जाएगा, जो कि आपके काम पर निर्भर होगा। कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, किसी अनुभव की आवश्यकता नहीं है। और 12वीं पास भी आवेदन कर सकते हैं। प्लेसमेंट या ज्वाइनिंग के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क की आवश्यकता नहीं। इंटरव्यू के लिए संपर्क करें, हमारा पता है टैलेंट स्कोप, 3rd फ्लोर, लोटस टावर, विष्णु विलास होटल के बगल में, खुटेही रीवा। हमारा नंबर है 0779-0630-20, 0691-9846-808।